कुछ वक्त पहले मैंने पिक्सल का 6A का अनबॉक्सिंग भी करके दिया था, रिव्यू भी करके दिया था और साथ ही साथ गहराई के अंदर घुस के इसका कैमरा टेस्ट भी किया था, क्योंकि ये कैमरा के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसे कैमरा के लिए भी लेना चाहते थे। मैंने कैमरा टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करके दिया था, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि इसका कैमरा किस टाइप का है। और उन वीडियोस के नीचे आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस भी था, जिसका आंसर आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, यानी कि ये Q&A वाला वीडियो होने वाला है पिक्सल का 6A को लेकर। और अगर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका एक और वीडियो आने वाला है कि मेरा एक्सपीरियंस किस टाइप का रहा पिक्सल का 6A को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पिक्सल का कोई डिवाइस यूज किया था, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बेसिकली। तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए। क्या दूसरे के फिंगरप्रिंट से हमारा पिक्सल का 6A अनलॉक होगा या ना होगा? अब इसका जो आंसर है मैं आपको लाइव टेस्ट में दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने ये वाला उंगली और ये वाला उंगली दोनों को मैंने रजिस्टर कर रखा है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं फटाफट से। ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है जी। लॉक करते हैं और इधर से दिखाते हैं, ओपन हो गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों उंगली से मेरा आराम से खुल जा रहा। तीसरा उंगली स्ट्राइक करते हैं, ये वाला उंगली को मैंने रजिस्टर नहीं किया, तो खुलता है कि नहीं खुलता ये यहां पे देख लेते हैं। देखिए कितनी बार भी कर लूं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब जो उंगली को मैंने रजिस्टर किया उससे खोल के देख लेते हैं, तो इजिली खुल जाता है, ठीक है। बहुतों का ये कहना था कि ये दूसरे के उंगली से खुले या कि नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया, नहीं खुलने वाला। जो आप उंगली को रजिस्टर कीजिएगा उसी से सिर्फ खुलेगा। पिक्सल 6A में मल्टीपल फिंगरप्रिंट से मोबाइल फोन अनलॉक हो जाता है, तो चलो देख ही लेते हैं। अब इसका जो आंसर मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में बता दिया था कि आप मल्टीपल फिंगर को भी रजिस्टर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखा ये उंगली और ये उंगली, दोनों ही उंगली आपका काम करता है। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया था कि काम नहीं करता, लेकिन अभी करता है मेरे भाई, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो इसका फिंगरप्रिंट है ना वो काफी ज्यादा एक्यूरेट और काफी ज्यादा फास्ट भी है। कभी कभी जो है आपको लगे कि यहाँ पे नहीं खुला, लेकिन आपके उंगली में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पानी वगैरह लगा रहता है हाथ में, थोड़ा सा गंदगी वगैरह रहता है, जिसके कारण जो है आपका अनलॉक नहीं होता, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि भाई काम नहीं कर रहा। आप हाथ को थोड़ा पोंछ के लगेगा ना आराम से काम करेगा, तो फिंगरप्रिंट को लेकर कोई भी तरह का इशू नहीं है। भाई हीटिंग इशू के बारे में बता दे कि हीटिंग होता है कि नहीं होता, और गेमिंग के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जहां तक बात है हीटिंग के बारे में, तो मुझे ऐसा कोई भी तरह का हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि इसमें बहुत ही ज्यादा हीटिंग होता है, बेशक होता है। अगर आप कैमरा बहुत ही ज्यादा यूज करोगे, बेसिकली ये वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा शूट करोगे, 30 मिनट तक लगातार वीडियो वगैरह बनाओगे और यहाँ पे धूप वगैरह निकला हुआ रहेगा, उस कंडीशन में ये स्मार्टफोन हीट करता है। और ये स्मार्टफोन नहीं, और भी बहुत सारे स्मार्टफोन को अगर लगातार आप कैमरा को यूज कीजिएगा ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगातार, या फोटोज वगैरह खींचेगा, तो यहाँ पे हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो। तो नॉर्मल अगर इसमें से फोटोज और वीडियोज निकालोगे तो कोई भी तरह का आपको इशू देखने को नहीं मिलता। रही बात गेमिंग को लेके, तो गेमिंग के लिए मैं फोन रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि यहां पे जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज्यादा छोटा, और साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है ना, ये आप कैमरा के लिए ले लो, डिजाइन के लिए ले लो, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए ले लो, बेसिकली यूआई के लिए ले लो, लेकिन गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन ले लो, मीडियाटेक ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, लेकिन यहां पे गेमिंग के लिए मत लेना। लेकिन ना ऐसा भी नहीं कि गूगल का टेंशन में आप गेमिंग नहीं कर सकते, गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो मेरे भाई। लेकिन अगर आप सोच रहे हो हार्डकोर गेमिंग, आप सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो, तो पिक्सल का 6A में आपको मजा नहीं आएगा। तो जो सच बात है ना, वो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। बाकी नॉर्मल यूजर्स में आपको ये स्मार्टफोन में हीटिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। ओवर हीटिंग होता तो मैं आपको यहां पे बता देता, ओवर हीटिंग नहीं होता, स्लाइटली थोड़ा सा वार्म जरूर हो जाता है, लेकिन ओवर हीटिंग नहीं होता है मेरे भाई। दादा इसमें जो 60 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट दिया गया है, क्या वो बहुत ज्यादा स्लो है? मतलब फील होता है जिटरनेस वगैरह है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 60 हर्ट्ज का इसमें पैनल जो दिया गया बहुत ज्यादा स्लो है। देखो प्राइस के हिसाब से ये वाला डिवाइस में 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन यहां पे 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया गया। लेकिन एक चीज मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, इसका जो 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो बिल्कुल आपको जो है मक्खन की तरह चलने वाला है। आपको कोई भी तरह का लैगिंग जो है, कोई भी तरह का स्क्रॉलिंग में दिक्कत नहीं देगा। बहुत सारे लोग ऐसे लगे कि 60 हर्ट्ज बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन नहीं मेरे भाई, इसमें जब आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा ये 60 हर्ट्ज का पैनल इसमें दिया गया है, ठीक है। बात की बात है कि 120 हर्ट्ज आप डायरेक्ट शिफ्ट कीजिएगा 60 हर्ट्ज में, तो थोड़ा सा स्लाइटली वहां पे आपको फील होगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा इसका 60 हर्ट्ज का पैनल। तो 60 हर्ट्ज का पैनल अच्छा काम करता है, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया इसका सॉफ्टवेयर, तो आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाला है। और क्या पिक्सल का 6A बहुत ज्यादा लैग और बहुत ज्यादा हैंग करता है, इसके बारे में भी बता दीजिए जरा। देखिए जहां तक बात है लैगिंग और बग्स के बारे में, तो यहाँ पे लमसम जो है 3 महीना या 4 महीना मुझे यूज करते हुए हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है आपको बग्स वगैरह देखने को मिलेगा, कभी कभी कैमरा जो है स्टक कर जाता, कभी कभी स्क्रीन जो है सही से ओपन नहीं हो पाता है, तो बहुत ही माइनर केसेस में कभी कभी जो है आपको बग्स देखने को मिल सकता, कभी कभी लैग वगैरह हल्का फुल्का होता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता, तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब जब मैंने ये फोन ऑर्डर किया था, तो
आउट ऑफ द बॉक्स में आपको एंड्रॉइड 12 मिला था, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है इसमें एंड्रॉइड 13 का अपडेट आ गया था। मैंने एंड्रॉइड 13 में अपडेट भी कर लिया था। अपडेट करने के बाद जो इसका परफॉर्मेंस स्लाइटली जो है इंप्रूव ही देखने को मिला था। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इसमें आपको उतना ज्यादा बग्स और उतना ज्यादा लैगिंग वगैरह इशू देखने को नहीं मिलने वाला मेरे भाई। भाई बैटरी बैकअप कैसा है पिक्सल का 6a का, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है या फिर एक दिन के लिए काफी है? ज्यादा बात है बैटरी के बारे में, तो आपका एक दिन आराम से चल जाएगा, उसमें आपको कोई भी तरह का इश्यू नहीं होने लगा, फिर चाहे आप यूजर कैसे भी हो। हाँ, मैं उन यूजर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ जो सुबह सुबह 8 बजे उठ के रील्स देखते हैं, दोपहर में भी रील्स देखते हैं, शाम में भी रील्स देखते हैं और बैटरी बैकअप का। तो सीधी से बात है, मेरे पास 4400 mAh की जो इसमें बैटरी दी गई है वो आपको आराम से जो है एक दिन दे देगा। तो बैटरी बैकअप को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि बैटरी बैकअप तो आपको एक दिन का मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो चार्जिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, यानी कि आपका 1.5 घंटा आराम से ले लेगा फुल चार्ज करने में। तो यहाँ पे ये चीज का जरूर से ध्यान दीजिएगा। ब्रो 30,000 के अंदर कैमरा सेंट्रिक बोल के हम ये स्मार्टफोन को कैमरा के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब देखो इसका आंसर एक वर्ड में बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो कैमरा है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, खास करके इसका रियर कैमरा। फ्रंट कैमरा भी अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है रियर कैमरा के कंपैरिजन में। लेकिन जो इसका रियर कैमरा ना, जो फोटोज वगैरह निकल के आता है, जो वीडियोस वगैरह निकल के आता है, जो पोर्ट्रेट मोड निकल के आता है रात में, खास करके बहुत ही अच्छा निकल के आता है। डे लाइट में पोर्ट्रेट वगैरह में उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन नाइट में काफी अच्छा जो है पोर्ट्रेट शॉट भी देखने को मिलेगा। अब अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैमरा जो है इसका बहुत ही अच्छा है मेरे भाई। भाई जब भी हम फ्रंट कैमरा को यूज करते हैं, खास करके ह्यूमन फेस को क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे फोटोज बहुत ज्यादा डार्क रहता है, तो इसका कोई उपाय है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही दिन से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसे भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो इनका ये कहना था कि फ्रंट कैमरा से जब भी वो सेल्फी वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे डार्कर इमेजेस आता है, साथ ही साथ जो फोटो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर शार्पेन हो जाता है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको फिक्स करने का। जैसे ही आप कैमरा खोलोगे, फ्रंट कैमरा में जाओगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा फेस रिटचिंग करके। तो यहाँ पे आपको थर्ड वाला पे क्लिक कर देना, इसे इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद जो है फोटोज वगैरह जो स्लाइटली आपका बेटर रहेगा, बेसिकली आपका फेस को थोड़ा सा स्मूथनिंग कर देगा, थोड़ा सा ज्यादा जो है इंप्रूव करके देखा। तो एक बार इसे जरूर से ट्राई कीजिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होता तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि 30,000 के अंदर पिक्सल का 6a वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो चलो जान लेते हैं। देखो 25,000 के हिसाब से मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 27,000 से 30,000 के बीच में ये हमेशा मिल जाता है। अब अगर आपको एक अच्छा UI वाला फोन चाहिए, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया चाहिए, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये 30,000 के अंदर बहुत ही अच्छा डील रहेगा। आप जब स्मार्टफोन को लोगे तब चीजें आपको समझ में आएंगी, जब आप इसे यूज करोगे ना तब इसका जो है एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा जबरदस्त है 30,000 के अंदर, मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसे देख सकते हो मेरे। बाकी अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो थोड़ा सा इसे अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह करते हो तो दिक्कत नहीं है, आप इसे ले सकते हो 30,000 के अंदर। टेंसर जो है अच्छे तरीके से काम कर देता है। अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं प्रोज एंड कॉन्स वाले भी वीडियो बना दूं तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको जरूरत है तो मैं बना के दे दूंगा, उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं, तो जरूर से नीचे कमेंट में बताइए। देखिए मेरे हिसाब से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने यहां पे पिक करके यहां पे आपको आंसर दे दिया। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, नीचे कमेंट में कमेंट आप कर दीजिए, रिप्लाई हम कर देंगे, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिए मेरे भाई।